हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास टेंथ का मैथ्स करेंगे। चैप्टर जो चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, काफी सारे मेथड्स हम यहाँ पे सीख चुके हैं। बेसिकली तीन मेथड्स हमने सीखे हैं मीन निकालने के। किसी को याद हो तो आप बता सकते हैं, हैंड रेज करके अपना मुझे बता सकते हैं कि कौन से तीन मेथड हमने सीखे हैं मीन निकालने के। अगर किसी को याद है तो बताएं बेटा आप। अगर वैसे भी किसी को पता हो कि भाई चैप्टर स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी में अगर हमें मीन निकालना है तो कौन से तरीकों का आप प्रयोग करते हैं, कौन से मेथड से आप मीन निकाल सकते हैं, किसी को भी पता हो तो बताएं बेटा। चलिए, हमने कुछ मेथड सीखे थे, तो देखेंगे हम स्मार्ट बोर्ड पे कि क्या क्या मेथड हमने सीखे थे। और उन्हीं में से हम कोई भी मेथड यूज करके, जब तक कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि पर्टिकुलर ये वाला तरीका आपको यूज करना है, तब तक आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगता है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, देखते हैं कौन से मेथड हम सीख चुके हैं। तो चैप्टर सांख्यिकी है स्टेटिस्टिक्स, इसमें जो मेन चीज अभी हम कर रहे हैं वो है मीन। ठीक है, मीन निकालना है हमें। तो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीन तरीके हैं जो हम सीख चुके हैं यहाँ पे। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलित विधि, ये हम तीन चीजें सीख चुके हैं, तीन तरीके सीख चुके हैं। इनसे हम निकालते हैं क्या मीन। तो देखिए, जो प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बाकी दो मेथड भी अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको वो मेथड समझ में आए होंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, किसी को इन तीनों मेथड में से किसी एक मेथड में भी अगर प्रॉब्लम है तो अभी के अभी आप अपना हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई ये वाला मेथड आपको दोबारा समझना है तो वो मैं अभी बता दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि सीधा हम क्वेश्चन करने लग जाएं और आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में ना आए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, ताकि आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे होंगे वो समझ में भी आए और आप खुद उनको कर भी सको। इसीलिए तीनों तरीकों में से, तीनों मेथड में से किसी मेथड को समझने में परेशानी हो रही हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो 30 सेकंड का समय है आपके पास, मेथड देख लीजिए। आपको तीनों तरीके आते हैं तो वेल एंड गुड, फिर हम किसी भी एक मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिया हुआ है जो कि ऑर्गेनाइज्ड डाटा है। ठीक है, इसमें आपको क्या बोला गया है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। ठीक है, तो किसी अस्पताल में 30 महिलाओं की जांच की गई एक डॉक्टर द्वारा, और उनके हृदय संपंदन यानी जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करते करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। तो यानी उनके हार्ट बीट चेक की और उन्होंने नीचे यहाँ पे लिख दी है, एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपंदन संपादन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको जो इनकी हार्ट बीट है, जो इनकी हार्ट बीट है महिलाओं की, उनकी आपको क्या करना है, एक माध्य संख्या ज्ञात करनी है कि भाई ऑन एवरेज कितनी हार्ट बीट इनकी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डाटा आपको गिवन है कि भाई हार्ट बीट की प्रति मिनट की संख्या कितनी है, जैसे 65 से 68 एक मिनट में। इसका मतलब समझिए बच्चों कि यहाँ पे 65 से 68 लिखा हुआ, यानी 65 से 68 के बीच में जिन महिलाओं का हार्ट धड़कता है एक मिनट के अंदर, वो है दो। मतलब किसी का 65 बार टाइम्स भी धड़क सकता है, 66 टाइम्स भी धड़क सकता है, 67 टाइम्स भी बीट कर सकता है हार्ट, तो वो हो गया, इस कैटेगरी में आ जाएंगी। फिर 68 टू 71, 71 टू 74, तो ऐसे कर करके आपको कुछ इंटरवल दिए गए हैं, क्लास इंटरवल इनको हम बोलते हैं।
या फिर वर्ग अंतराल बोल देते हैं। तो वर्ग अंतराल आपको यहाँ पे गिवन है, उसके बाद महिलाओं की संख्या आपको गिवन है कि भाई किस वर्ग अंतराल में कितनी महिलाएं आती हैं। ठीक है, जैसे 82-83 जो वर्ग अंतराल है उसमें चार महिलाएं आती हैं, मतलब चार महिलाओं की हार्ट बीट इस वर्ग अंतराल में, इस क्लास इंटरवल में, या फिर 80-83 के बीच आती है। आपको एवरेज निकालना है, मध्य निकालना है कि भाई ऑन एन एवरेज महिला का, एक महिला का कितने टाइम्स मिनट में हार्ट बीट करता है, ये आपको बताना है। तो इसका मीन आप निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, जो मेथड आपको सूटेबल लगे तीनों में से वो निकालेंगे, क्योंकि तीनों मेथड हम कर चुके हैं, और फिर मुझे आंसर बताएंगे बच्चों कि क्या आंसर आपका आता है। हैंड रेज करके बता सकते हैं, चैट के माध्यम से बता सकते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, फिर आंसर बताइए। शाबाश, जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा आपका। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए बच्चों। तब तक यहाँ पे हम डाटा नोट कर लेते हैं जो जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हृदय संपादन की प्रति मिनट संख्या दी हुई है, या फिर हार्ट बीट दिया हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, CI क्लास इंटरवल बोलते हैं, यानी इसको वर्ग अंतराल हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, महिलाओं की संख्या, यानी इसको हम FI से डिनोट करते हैं, ये FI हो गया। तो इस चीज को हम आगे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। अब देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना हो सकता है, सबसे पहले है 65 से 68, 65 to 68, फिर है 68 to 71, फिर है 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, फिर 80 से 83, और 83 से 86। ये है क्लास इंटरवल। इसके बाद जो आपको यहाँ पे दिया रहेगा वो होगा FI, FI यानी महिलाओं की संख्या। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है XI। क्या निकालेंगे हम, XI। तो XI कैसे निकलेगा, XI जो हमारा वर्ग अंतराल है उसी की मदद से निकलेगा, और XI को हम क्या बोल सकते हैं, क्लास मार्क बोल सकते हैं हम, क्लास मार्क। XI हो गया, क्या होता है, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ऐसे लिखते हैं इसको। तो यहां पे हम क्लास मार्क निकाल के लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हम कौन से मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये डाटा कंप्लीट करते हैं। FI कितना गिवन है, 65 से 68 के बीच में दो महिलाएं थी, यहाँ पे 4, फिर 3, फिर 8, फिर 7, फिर 4 और फिर 2। चेक कर सकते हैं आप, 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2, यही संख्या थी महिलाओं की। उसके बाद हमें क्लास मार्क निकालना है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि भाई कि 65 प्लस 68 करके उसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 प्लस 68, ये हो गया 8 और 5, 13, 1 हासिल 6 और 6, 12 और 133 आ गया। 133 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा 66.5, है ना। 2 6 12 1 5 6 12 2 5 10, तो 66.5 आ गया। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देंगे 66.5। अब देखेंगे कि 65 और 68 का बिल्कुल बीच में आता है, क्योंकि 65 प्लस 1 66 हो जाता है और 67 प्लस 1 68 हो जाता है, तो 66 और 67 के बीच में आता है 66.5।
तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, इनमें गैप कितने कितने का है वो देखेंगे, है ना। एच कितना है इसका, 3 है, मतलब जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है इनमें गैप 3 का है, 65 के बाद 66, 67, 68, 3 का गैप हुआ। तो आप क्या करेंगे कि 3 का आधा होता है 1.5। तो अगर आप ऐसे करें कि भाई लोअर लिमिट में, है ना, देखिए फॉर्मूला प्रॉपर यही होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, लेकिन यहां पे अगर लोअर लिमिट में 1.5 अगर जोड़ दें तो भी आपका क्लास मार्क आ जाता है। 68 में अगर 1.5 जोड़ेंगे बताइए कितना होगा, 69.5। फिर 71 में 1.5 जोड़ेंगे तो 72.5, 74 में 1.5 जोड़ेंगे तो 75.5, फिर 78.5, फिर है 81.5 और 84.5। तो यहां पे आप देख पाएंगे कि हमने क्या किया है, जो क्लास इंटरवल है उसके बिल्कुल बीच की संख्या निकाल ली है, एग्जैक्ट उसका मिडल निकाल लिया है। तो वो हो गया क्लास मार्क एक्सरसाइज को हम बोलते हैं। अब अगर हमें डायरेक्ट मेथड से करना है तो हम क्या निकाल सकते हैं, FIDI यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। अगर डायरेक्ट मेथड से करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, FIXI करना पड़ेगा डायरेक्ट मेथड के लिए स्टूडेंट्स, FIXI कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मल्टीप्लीकेशन भी टफ नहीं होने वाला आपके लिए, सारे मल्टीप्लीकेशन लगभग ईजी हैं, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको समय ज्यादा लग सकता है। ये बोल सकता हूँ मैं कि इस इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इजी है। तो अगर डायरेक्ट मेथड से करना चाहें तो यहीं पे आप FIXI निकाल के इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं भाई मुझे दूसरा मेथड लगाना है, एज्यूम्ड मीन मेथड से करना चाहूंगा, तो यहाँ पे आपको मीन एज्यूम करना पड़ेगा। तो मीन एज्यूम करके देखते हैं हम क्या मीन इसका एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 3 ऊपर से छोड़ दे, 3 नीचे से छोड़ दे, और इसको मैंने एज्यूम कर लिया। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि भाई जो DI है उसका फॉर्मूला होता है XI-A, यही होता है, DI को निकालते हैं XI-A, यानी XI-A कितना है यहाँ पे, 75.5 है। तो हम यहाँ पे DI भी निकाल पाएंगे, निकालने की कोशिश करते हैं। अब 75.5 में से 66.5 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, बेशक से करके देख लीजिए, 75.5 और 66.5। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये माइनस का होगा 75, क्योंकि एक्चुअली हम 66.5 में से 75.5 माइनस कर रहे हैं, 0 का 0 और 15 में से 6 गया, 9 बचा, 9.0 आ गया, है ना, वो भी माइनस का आ जाएगा यहाँ पे। तो ये माइनस 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद कितना आना चाहिए, अब 75.5 में से 69.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, क्योंकि 75.5 माइनस का है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि देखिए जो यहाँ पे गैप होगा एच होगा ना, उसी का टेबल यहाँ भी चलता जाएगा, माइनस 9 आया, फिर माइनस 6 आया, फिर माइनस 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, और फिर 3, 6 और 9, ये आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि 3-3 के गैप का आपको यहाँ पे नंबर्स दिख जाएंगे। तो धीरे धीरे आप करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर DI निकल गया और आपको assumed mean method से करना है तो सीधा आप क्या कर सकते हैं, FI और DI कर दें, और माइनस 9 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 6 और 4 को कर दिया, माइनस 3 और 3 को कर दिया, सबको मल्टीप्लाई करके लिख दें, और फिर आप इसका सूत्र लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका अभी मन है कि भाई मेरे को इस मेथड से नहीं करना, दूसरे मेथड से करना है, तो अगविचलित विधि से आप कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें तरीका क्या होगा, आपको UI भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, UI। तो UI कैसे निकलेगा, देखिए UI को निकालते हैं आप DI बटे H, DI बटे H की मदद से निकालते हैं UI को। अब यहां पे देखिए H कितना है और क्या होता है,
H3 है। और होता क्या है, जो इसकी वर्ग अंतराल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, इनके बीच का गैप को हम बोलते हैं H। ठीक है, यहां से हम DI बटे H करेंगे तो बताइए -9/3 कितना हो जाएगा, ये -9 हो गया, ये DI है और H कितना हो गया 3, तो -9/3 कितना हो गया -3, -6/3 -2 और -1, 0, 1, 2 और 3, ये आ जाएगा UI। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना होगा FI UI। अब FI UI निकालेंगे तो देखेंगे बहुत ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन हो गया, 2 × -3 कितना होता है -6, 2 × -3 -6 यहां पे हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे आप -6। इसी तरह 2 × -2 × 4 -8, -1 × 3 -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 7 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इनको आप माइनस वालों को एक साथ कर लीजिए ऐड, तो 8 और 6 14 और 3 17, -17 आ गया, और इसको एक साथ आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 7 15 प्लस 6 21, ये प्लस का 21 आ जाएगा, फिर 21 माइनस 17 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 आ गया। तो आप लिख सकते हैं सिग्मा FI UI बराबर है 4, और सिग्मा FI कितना होना चाहिए, इन सबको ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस इसको आप छोड़ दीजिए अभी, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 15, और 8 और 7 कितना है 15 है, और 15 और 15 30 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एडिशन किया अपने हिसाब से कर सकते हो ताकि डायरेक्टली आप कर सको, लिखने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई दोनों निकाल दिए हैं, एच मेरे पास है यहाँ पे 3 दिया हुआ है, एच ए हमने माना था 75.5, तो इन सब का यूज करके आप मीन निकाल सकते हैं। तो अब निकाल के बताइए मीन की क्या आंसर होगा आपका, अब तो बता सकते हैं, तो चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा आपका। स्टूडेंट्स अब तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, अगर आपको सूत्र इसका याद है, फॉर्मूला याद है, तो सीधा आपको क्या करना है, माध्य ही तो निकालना है। पग विचलित विधि से माध्य कैसे निकालते हैं, आप यहां पे लिखेंगे H इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई प्लस ए, ये फॉर्मूला है, इसमें सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। H कितना है 3 है आपके पास, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया था 4, और सिग्मा एफ आई 30 आया था, प्लस ए था 75.5, ये था, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 × 10, और 4/10 को हम लिख सकते हैं 0.4 प्लस 75.5, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75.9 आ जाएगा। तो देखिए एक चीज आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ये मीन आता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, है ना, एग्जैक्ट नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेटली होता है, लगभग लगभग आता है, क्योंकि जो इंटरवल दिया गया है ना, ध्यान से देखिए यहां पे क्लास इंटरवल जो दिया गया है 65 से 68 के बीच में बोल रहे हैं, दो महिलाएं आती हैं इस कैटेगरी में, तो हमें नहीं पता कि उनका हार्ट बीट 65 है या 66 है या 67 है, हमें नहीं पता इसमें से कितना है, लेकिन इसी के बीच में फॉल करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी लगभग लगभग आएगा, तो नोट डाउन कर लो इसको, और आंसर आपका आ चुका है। चलिए इसके बाद एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और हम ये सबसे स्टार्टिंग में ही किया था हमने ये क्वेश्चन, है ना, तो इसको सॉल्व करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ सकता है। तो इसमें तो आपको डायरेक्ट आपको डाटा दिया गया है, आपको यहाँ पे
सीधा क्या दिया है, क्लास मार्क दिया, एक्सआई दिया है, क्लास इंटरवल भी नहीं दिया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो बताइए कि किसका क्या आंसर आ सकता है, कौन सी कोई सी विधि आप यूज कर लीजिए। किसी स्कूल की कक्षा एक्स के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 अंक में से प्राप्त किए गए अंक आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन विद्यार्थियों द्वारा अंकों का माध्य क्या होगा, ये आपको बताना है कि जो प्राप्त अंक हैं उनका माध्य क्या होने वाला है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आंसर आपका आया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी सिंपल होने वाला है आपके लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या आपको जो गिवन है उस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, है ना। तो सबसे पहले तो जो अंक स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए हैं वो लिखेंगे, इसको एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्स आई। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, प्राप्त अंक यहाँ पे आ जाएगा। फिर है विद्यार्थियों की संख्या गिवन है, है ना। तो यहां पे लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या, इसको एफ आई से डिनोट करते हैं हम। और फिर आ जाता है एफ आई एक्स आई, अगर आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो। तो यहां पे कैसे करेंगे, प्राप्त अंक जो भी हैं लिख देंगे, जैसे 10 से शुरू होता है, है ना। क्या था, 10 था सबसे पहले, फिर 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95। ये यहाँ पे काफी सारे अंक हो गए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राप्त अंक हैं वो ये होंगे। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या आपको करनी है, तो इनको यहाँ पे थोड़ा आप अलग अलग करने के लिए कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि डिफरेंशिएट आप कर सकें कि भाई कौन से विद्यार्थी के कितने अंक है, है ना। कैलकुलेशन के टाइम पे अगर ऐसे कर लेंगे, जैसे बहुत ज्यादा अंक हो गए और आपको लगता है कि ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप इस तरह से इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने जस्ट एक आपको तरीका बता दिया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनको लिख लेंगे कि भाई सबसे पहले जो 10 अंक हैं वो एक विद्यार्थी के आए हैं, फिर एक विद्यार्थी के 20 अंक आए हैं, 36 तीन विद्यार्थियों के आए हैं, 40 आए हैं चार विद्यार्थियों के, 50 आए हैं तीन विद्यार्थियों के, 56 आए हैं दो विद्यार्थियों के, फिर 60 आए हैं चार विद्यार्थियों के, 70 आए हैं चार विद्यार्थियों के, 72 आए हैं दो विद्यार्थियों के, 80 आए हैं एक विद्यार्थी के, 88 दो विद्यार्थियों के, और 92 भी तीन विद्यार्थियों के, और 95 आए हैं एक विद्यार्थी के। अब यहां पे आपको करना पड़ेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे। 10 गुना 1 10 ही होता है, 20 गुना 1 20 हो जाएगा। अब 36 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 3 से 36 को गुना करेंगे, तो 3 6 18 81, 3 3 9 और 1 10 108 आ जाएगा। 40 गुना 4, तो 4 को 4 से गुना कर देंगे, 16 0 एज इट इज। फिर 50 को 3 से करेंगे, तो 5 3 15 150 आ गया। फिर 56 को 2 से गुना कर देंगे, इन सबको आपस में गुना करके लिखना है आपको, तो 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 112। 60 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 240। फिर 70 को 4 से करेंगे, 7 चौक 28 280। 72 को 2 से करेंगे, तो 144। एक्चुअली 72 को
आप एक से करेंगे, ठीक है, 72 को एक से करेंगे हम, क्योंकि यहां पे जो डाटा दिया हुआ था वो एक था। 72 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। फिर 80 को एक से करेंगे तो 80, 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 176। 92 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 9 27, 276 आ गया। 95 का 95 आ गया 95। तो अब इनको ऐड करके लिख देंगे जैसे सिग्मा एफ आई आपको यहाँ पे चाहिए, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा देख सकते हैं, 1, 2, 3 और 2, 5, 5 और 4, 9, 9 और 3, 12 और 2, 14, 14 प्लस 4, 18 प्लस 4, 22, 23, 24, 25, 26, 26 और 3, 29 और 1, 30, सिग्मा एफ आई 30 आ गया। आप ऐसे करके ऐड कर सकते हैं, है ना, सीधा ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसको आप ऐड कर दें, है ना, इनको सबको ऐड कर दें, तो ऐड कर, एडिशन तो आपको आता है, थोड़ा लंबा हो गया पर क्या हुआ, एडिशन तो आपको करना ही पड़ेगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे तो देखिए, सबसे पहले इन डिजिट्स को ऐड कर लें, 0, 0, 8, 8 और 2, 10, 10 और 2, 12, 12 और 6, 18 और 6, 24 और 5, कितना हो गया 29, कानो 2 हासिल। फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे, 1 और 2, 3, 3 और 6, 6 और 3, 9, 9 और 5, 14, इस तरह सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1779, 1779 आने वाला है आपका, ठीक है। तो इनको आप प्रॉपरली ऐड करके देख सकते हैं। तो सिग्मा एफ आई आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। अब आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, इनको फॉर्मूले में पुट करना है और माध्य आपको निकालना होगा। चलिए, इसको माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही होता है माध्य का फॉर्मूला। तो इसको पुट कर दीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई आया 1779 बाय 30। तो इसको आप लिख सकते हैं 1779.9/3, 0 के नाम का तो पहले ही दशमलव लगा दिया मैंने। इसको अब अगर आप भाग करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो ऐसे भी आप लिख के कर सकते हैं, 3 से भाग, कितना आ जाएगा, 3 5 15, 3 5 यहाँ पे कर लेते, 3 5 15, तो 2 बच गए, 7 उतार लिया, 3 निम 27, ठीक है। यहाँ पे 0 बच गया लेकिन हमने 9 यहाँ पे उतार लिया तो 3 किया 9 यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 बच जाएगा, तो 59.3, ये आंसर आ गया 59.3 आपका। तो बच्चों, जो हमने आज यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया होगा, साथ साथ सॉल्व किया होगा। तो ये देखिए, हमने मेथड्स 3 सीख लिए हैं, इन्हीं को आप अलग अलग क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको आ जाएंगे ये मेथड। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।